अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। फॉर दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग एंड ब्लॉगिंग विद पाकिस्तानी मॉम। अच्छा जी, तो बैग से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। जी हाँ जी, मामा आ गई हैं वापस, तो हमने सोचा उनका बैग कर लेते हैं अनपैक। अच्छा जी, तो ये मामा लाई हैं गिफ्ट, गुड़िया का, मानो का, और ये है मोहम्मद का। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मामा सबके लिए कुछ ना कुछ लाई थी। तो अच्छा मामा ना सुबह आ गई थी कैरियर से। अच्छा जी, तो ये ना जूता है, ये मामू ने गिफ्ट किया है, मामा को पसंद आया था तो मामू जान ने लेके दिया है, बहुत ही प्यारा है। तो हम अनपैक कर रहे थे तो मैंने कहा साथ साथ वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं। और ये मामा हम सब के लिए, भाभी मेरे लिए, मेरी दोनों बहनों के लिए सूट लाई हैं, मतलब तो हमारे लिए भी गिफ्ट लाई हैं बच्चों के साथ साथ। तो ये देखिए जी, बहुत ही प्यारे सूट थे। ठीक है, बहुत ही प्यारे, बिल्कुल लाइट कलर हम ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, डार्क भी समटाइम पसंद कर लेते, लेकिन मोस्टली हम लोग लाइट कलर पहनना प्रेफरेंस करते हैं एज़ कम्पेयर टू डार्क कलर। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारे, देखिए छोटे छोटा प्रिंट बना हुआ था दोनों सूटों में, बहुत प्यारे थे, तीनों सूट माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। तो साथ ही साथ मैंने खोला बैग के, अगर कोई धोने वाले कपड़े मैं निकाल लेती हूँ तो मामा बता रही थी कि उनकी भाभियों ने, मतलब मेरी मानी जान ने, सारे कपड़े धो के प्रेस करके तय लगा के दिए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ना इसमें से सिर्फ वही कपड़े निकालेंगे जो हैं लॉन के। ठीक है, बाकी जो विंटर स्टफ़ है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि हम लोग आज कपड़े ऊपर शिफ्ट भी साथ साथ कर रहे थे। मामा को आते साथ मैंने कहा था रेस्ट करने, कहते अभी मैंने रेस्ट नहीं करना है, अभी मैं ठीक हूँ, ऐसे जब नींद आएगी तो मैं कर लूँगी। तो इसमें वही कपड़े हैं जो विंटर्स के हैं। ठीक है, जो ऊपर जाने हैं मोटे हैं। ठीक है, और ये पापा जान के थे, ये भी ऊपर लेके जाने हैं मुझे। ठीक है, उससे पहले ये देखें जी, ये मामा अब अपने जो ऊपर लेके जानी है ना, वो सब बैग मुझे दे रही है ताकि मैं इजीली ऊपर लेके जाके वहाँ पे बैग खाली कर, तरह मेरे लिए इजी रहेगा कि हाथों में पकड़ने से अच्छा है कि एक दफ़ा ही बैग में भर के ना मैं मम्मा के जो है वो ऊपर रखा हूँ। ठीक, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा बहुत सख्त गर्मी आ चुकी है। अच्छा जी, तो साथ ही साथ मम्मा को लगी थी भूख, वैसे मैंने नाश्ता दे दिया था जो डेली रूटीन में वो खाती थी, ब्रेड अंडा और चाय, लेकिन फिर उन्हें भूख लगी थी तो साथ साथ हम भाभी ने पराठा और अड्डा बना दिया था। अच्छा जी, ये क्या है? ये है जी मेरी कज़न स्पंज केक बनाया हुआ था और बहुत ही मज़े का था, मामा लाई थी तो सबने टेस्ट किया था, सबको बहुत पसंद आया था, मामा बहुत तारीफ़ करती, माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती है वो। अच्छा जी, तो अभी पापा के कपड़े भी तय हो चुके थे इधर। ठीक है, तो ये देखी जी, मैं ऊपर ला के स्टी स्टैंड में सारे कपड़े रख रही हूँ जो तय हुए हैं, और ये बैग से भी मैंने बिल्कुल एम्प्टी कर दिया, बैग बैग से भी कपड़े निकाल दिए हैं मैंने। और ये देखें जी, ये मैंने अपने मम्मा के यहाँ से पहले जर्सियाँ वगैरह रख दी थी, साथ साथ ही मैं दिखाती चलूँ, रात को मैंने लगाई थी मशीन। ठीक है, सडनली प्लान बना था तो फिर मुझे मशीन लगानी पड़ती, काम वाली बाजी किसी रीज़न की वजह से नहीं थी आ रही, तो मैंने कहा पता नहीं आती है नहीं आती, तो मैंने मशीन लगाई थी रात को। फिर सुबह उठ के मैंने डाल दिए थे ऊपर कपड़े। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं धूप बहुत सख्त है, अभी तो ऑलमोस्ट कपड़े सूख चुके हैं, लेकिन मैंने कहा मैं थोड़ी देर तक उतारती हूँ। ये जी मैं नीचे आई हूँ, ये गुड़िया बहुत खुश है जी, उसकी अम्मी जान आ चुकी है, आप जैसे कि देख सकते हैं खुशी इसके मुंह से टपक रही है। अच्छा जी, तो किचन का हाल थोड़ा मैस हुआ हुआ है, अभी बर्तन धोने वाले हैं। वो डिटॉक्स वाटर में बनाने लगी हूँ यहाँ पे। काफी अच्छा आता है स्किन के लिए। ठीक है, तो उसके बाद उसके करें, ठीक है, आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, तो
अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं बर्तन यहाँ पे धुल रहे हैं, अंडे भी धो दिए थे भाभी ने। तो यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है और मैंने कहा एक दफा को लुक दे देती हूँ कि क्या किचन साफ कर दिया है, बिल्कुल बहुत मैसी हो गया था। और ये देखिए जी, हमारी शहजादी सोई हुई है, तो ऊपर से मैं आलू लेके आई थी। और ये जी, साथ ही साथ आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं पुदीना डालना है पानी में अपने, तो मामा जान ने बाहर आए थे, सब्जी वाले अंकल उनसे पुदीना लिया है और बहुत फ्रेश पुदीना था। और ये देखें जी, मामा ने लिए हैं साथ ही साथ एक दो तीन चार लिए थे मामा ने, खीरे और तीन नींबू लिए थे। ठीक है, सबसे पहले अब मैंने ये पुदीना डालना है अपने पानी के बीच, तो मैंने पुदीना डाल लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं दोबारा जा रही हूँ ऊपर, ठीक है, बाकी नीचे के थोड़े बहुत काम मैंने कर लिए थे जो करने वाले थे। अब मैंने सोचा मैं टाल लेती हूँ कपड़े, मैं क्या आपको, तो बहुत गर्मी हो गई है यकीन जाने, बहुत ही। अच्छा जी, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कपड़े हमारे टोटल ड्राई हो चुके हैं। अब कपड़े भी पनाह मांग रहे हैं कि इतनी सख्त गर्मी है, प्लीज़ हमें उतार लें। अच्छा जी, तो मैं अब यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं उतारती हूँ कपड़े। कपड़े बिल्कुल सूख चुके हैं। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट सीन बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, कपड़े उतारते हैं पहले, फिर नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ ही रहिएगा। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं मैंने कपड़े सीधे करके, जो धोबी को देने, आपको पता हम धोबी को देते हैं, सीधे करके पेयर्स के साथ बांध दिए हैं। ठीक है, और वो कुछ आप ही के कपड़े हैं, ठीक, जैसे कि आपको पता आप ही रहने आई हुई थी, तो वो भी विंटर्स के हैं, तो कुछ विंटर्स के उधर रखे हुए हैं जो ऑफकोर्स अब ऊपर ही रखने हैं सब में तैर लगा के। तो ये जी है जर्सियाँ, स्वेटर पापड़ भाई की। ठीक है, इसे मैं रखती हूँ ऊपर ही, ये मैं नीचे नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि नीचे लेके जाने का फ़ायदा नहीं, फिर तैर लगा के ऊपर ही लाना है, तो क्योंकि रखने हैं ऊपर, तो बेहतर नहीं कि यहीं पे रख दूँ, जब ऊपर ऊपर ही, फिर यहीं से जब रखने होंगे यहीं से उठा के तैर लगा के ना रख देंगे। अच्छा जी, तो अब ये लेके चलने हैं मुझे नीचे टोकरे जी, जो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं नीचे आ चुकी हूँ। तो अभी तो बहुत गर्मी थी, अभी मेरी बस हो गई है, मैं बाद में फर्दर इन्हें बांधूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आज अल्लाह का शुक्र है काम वाली बाजी आई हुई हैं। तो ये बर्तन सूख चुके हैं जो भाभी ने धोया, मैं सोची मैं लगा लूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने लगा लिए हैं बर्तन। इसी के साथ ही हमें इजाज़त, अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।